प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दूसरा निर्णय में विजयादशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही तुरंत 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपीस का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। बोनस मिलेगा 30 लाख कर्मचारियों को जो नॉन गैजेटेड है उनको मिलेगा। आपको पता है उसमें जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, रक्षा उत्पादन है, ईपीएफओ है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ऐसे जो कर्मचारी नॉन गैजेटेड है ऐसे 17 लाख कर्मचारियों को 2791 करोड़ इतना बोनस मिलेगा। और केंद्र सरकार के जो सरकार में काम करने वाले, ये तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो गए, जो सरकार में काम करते हैं ऐसे 13 लाख कर्मचारियों को non-productivity-linked बोनस मिलेगा और उन्हें भी 906 करोड़ रुपए 906 करोड़ रुपीस बोनस के उपलक्ष में मिलेंगे। यानी इस सप्ताह में 30 लाख कर्मचारियों के हाथ में 3737 करोड़ 3737 करोड़ रुपीस और मिलेंगे। बाजार में मांग बढ़ेगी और फेस्टिवल के सीजन में मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है।